ओके, सो वी कम बैक टू दिस ब्रांच मैनेजर एंड बिजनेस ओनर. इसमें हम बात करेंगे आपके स्टेक होल्डर्स की एंड इसमें वो बात करेंगे जो भी हम कर चुके हैं, जैसे रिपीट कर सकते हैं आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. वी टॉक अबाउट आपके पास सोर्सेस क्या है टू डेवलप बिजनेस. इसको हम एक थोड़ा सा लेंस बदलते देखते हैं कि आपके सोर्सेस क्या है. हम बात करेंगे कि आप प्लान और एग्जीक्यूट कैसे एट अ वेरी बेसिक लेवल, इसकी इसकी बेसिक प्लानिंग क्या है जो आप करना चाहते हैं, और फिर कुछ बिजनेस क्रिटिकल, इनको हम बिजनेस क्रिटिकल्स कहते हैं. ये वो चीज़ें हैं जो क्योंकि आप इस बिजनेस में ड्राइव करते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट एवेन्यू है, और हम जब आपको ड्राइव करते हैं तो हम रिजल्ट किस तरह देते हैं, हाउ डू वी लुक एट, ये अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बेहतर काम भी कर सकते हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें. इन चीजों पे हम बात करेंगे. एज अ बिजनेस ओनर आपको इन चीजों का के बारे में बताना चाहिए. आपके स्टेक होल्डर जो है वो तीन है. आपके स्टेक होल्डर आपका स्टाफ और मैनेजमेंट है, आपके स्टेक होल्डर आपके कस्टमर्स हैं, और आपके स्टेक होल्डर आपका शेयर होल्डर है. फिर आप अस्यूम करें कि वैसे तो आपका बैंक का शेयर होल्डर बट अस्यूम दैट यू आर द स्टेक होल्डर ऑफ योर ओन बिजनेस. बट एनीवेज अगर मैं आपसे ये पूछूं कि तीनों स्टेक होल्डर्स में सबसे ज्यादा जरूरी स्टेक होल्डर कौन सा, कस्टमर है और स्टाफ है. आपके बिजनेस में स्टाफ आपका सबसे ज्यादा जरूरी स्टेक होल्डर या स्टेक होल्डर नंबर वन क्यों है. अगर मैं इस सिनेरियो पे देखूं तो इसमें स्टेक होल्डर नंबर वन स्टाफ क्यों. अगर स्टाफ अच्छा होगा तो आपके क्लाइंट्स सेटिस्फाइड होंगे. अगर आपके क्लाइंट्स सेटिस्फाइड होंगे तो आपको बिजनेस देंगे. अगर ये आपको बिजनेस देंगे, बिजनेस डज नॉट मीन वन प्रोडक्ट. आई एम टॉकिंग व्हेन आई टॉक बिजनेस आई मीन एटलीस्ट थ्री टू फोर. जस्ट फॉर रेफरेंस सेक, एक प्रोडक्ट क्लाइंट जो है मेरे लिए वो रिलेशनशिप विद क्लाइंट नहीं है. वो क्लाइंट है जिसको प्रोडक्ट एज अ कमोडिटी बेची. कमोडिटी समझ, आपको एक चीज चाहिए थी, आपको मेरे बेहतर प्राइस में दे दी, मैंने आपको दे दी, आपने मुझसे ले ली, बात खत्म हो गई, तो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं. रिलेशनशिप ओरिएंटेड कस्टमर आपने बनाया. द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस, द ब्रांच बिजनेस मस्ट कन्वर्ट इन टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल हु वर्क. वो जब भी होगा जब आप उनको स्किल अप करके उनसे काम करवाएंगे, सारा खुद काम करते रहेंगे और आप कहीं निकल जाए वो वहां रह जाए, आप बहुत ज्यादा आगे नहीं होंगे. ठीक है, इसका मतलब आप इंडिविजुअली काम करेंगे 25 कस्टमर के साथ, 250 के साथ काम करेंगे, लोगों को भी तैयार करेंगे, आपका बिजनेस भी आगे जाएगा, उनकी वेल्थ भी बढ़ेगी, आप भी आगे. ऑलराइट, सो जनरेट वैल्यू फॉर ऑल स्टेकहोल्डर्स, दैट्स व्हाट दिस थिंग इज ऑल अबाउट. ओके, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, मैंने काफी बात कर ली है, बट लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, योर रोल इज टू बिल्ड बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस, राइट, नॉट अनप्रॉफिटेबल बिजनेस. हमारे बिजनेस में हम अनप्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे बिल्ड करते हैं, कैन एनीवन टेल मी. अनप्रॉफिटेबल बिजनेस हम कहते हैं कि ये हमें करना है, बस मैंने ये जरूर है, ये दे दें मुझे, तो मुझे स्पेशल ब्रेक दे दें और मैं बस डिपॉजिट ले आऊँ और मुझे अब आप तालियां बजाएं क्योंकि मैंने अब डिपॉजिट लिया है. अब वो डिपॉजिट चाहे मैं कम पैसे बना रहा हूँ या कुछ भी ना बना के दे रहा हूँ, मगर मैं बहुत खुशी नहीं करता हूँ यार मैं डिपॉजिट ले आऊँ. इफ यू नॉट जनरेटिंग वैल्यू देन आपको कोई कह रहा है कि ना कि कुछ स्पेशल डिपॉजिट ले आए स्पेसिफिकली, वो अलग चीज़ है, मगर जस्ट टू डू दैट एज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर आवर बिजनेस इज नॉट रियली एडवाइजेबल.